हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। डेली व्लॉग की सीरीज अभी तक तो फिलहाल सही चल रही है। मैं अभी तक तो कंटिन्यू कर पा रहा हूँ, कंटेंट मेरे को मिल पा रहा है, तो अभी तक तो सब चंगा सी, सब मजेदार सी। आज वेनेसडे है और आज क्या है, हमारी जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पीछे वाली बिल्डिंग जिसमें से ज्यादा खटखट बटबट की आवाज आती है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें लेंटर पड़ रहा है। तो आज शायद इस व्लॉग के अंदर काफी शोर शराबा आपको मिल सकता है, काफी आवाजें मिल सकती है, तो उस चीज को इग्नोर करना। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि लोग अच्छा बना पाऊं। आज के ब्रेकफास्ट में है फ्राइड राइस और चाय, तो अभी हम फ्राइड राइस और चाय खाने वाले हैं ब्रेकफास्ट के अंदर, तो मैं वो खा लेता हूँ और फिर उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। फ्राइड राइस और चाय का ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है, अभी मैं छत पे आया हूँ और आपको पीछे मेरे साउंड दिखाई दे रहा होगा कितना साउंड बज रहा है। पीछे काम चल रहा है, दबा के मजदूर लगे हुए हैं, तो काफी साउंड हो रखा है। देखो धीरे धीरे साउंड बढ़ रहा है यहाँ पे, ऊपर मजदूर लगे हुए हैं, तो मशीनें वगैरह लगी हुई है लेंटर की, तो काम चालू है। अभी जो मैंने वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े लगा दिए हैं धोने के लिए, और मिकोन के साथ जा रहा हूँ मैं बाहर जियो के ऑफिस में। मिकोन को अपना सिम जो है ब्लॉक करवाना है, उसका सिम जो है एक्चुअली खो गया है और ऑनलाइन नहीं हो रहा है, मतलब फ़ोन करके नहीं हो रहा था, तो अभी जियो ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ पर ब्लॉक कराएंगे। अभी हम दोनों निकल रहे हैं, जब तक पहुँचेंगे मेरे कपड़े भी धुल के रेडी हो जाएंगे, फिर मैं उसको सुखा दूंगा और मेरा काम आज का कपड़े वाला पूरा हो जाएगा। ए भाई साहब अपनी धुन में रहते मस्त है, कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलो, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। वेदर फोरकास्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि आने वाले 2-3 दिन में भयानक बारिश होगी, और वो देखो बादल कितना खतरनाक वाला आ रहा है, मतलब तगड़े वाली बारिश होगी ही होगी। पहुंच गए भाई जियो सेंटर में आराम से, अभी ब्लॉक कराएंगे। जियो वाले अंदर जाने ही नहीं दे रहे, ऐसे ही दरवाजे से ट्रीट कर रहे हैं, हमारी तरह ये लोग भी बाहर खड़े हैं। बेचारे का सिम ब्लॉक ही नहीं हो रहा है, इसको पता ही नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट दिया है, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड। वो लोग भी नहीं बता रहे, वो बोल रहे हैं कि आप जानो आपने क्या दिया है, आप बस डॉक्यूमेंट तो हम डालेंगे और ब्लॉक करेंगे। यहाँ के खुद के एम्प्लॉयज़ को नहीं पता है कि सिम को ब्लॉक कैसे करना है। इसने पहला डॉक्यूमेंट दिया पहले एम्प्लॉय को, वो कर नहीं पाया, अभी दूसरे एम्प्लॉय को दिया उसने कर दिया। ए इन लोगों को खुद ही नहीं पता। तो वॉशिंग मशीन में जो कपड़े लगाए थे वो धुल चुके हैं, अब मैं उसको लेके सुखाने के लिए चले जाता हूँ, तो पहले उसको निकाल लेता हूँ। एकदम सूखे सूखे कपड़े निकलते हैं, एकदम पूरा धुल के सूख कर। अब इसको मैं 1 घंटा सुखाऊंगा बाहर, तो पूरे सूख जाएंगे कपड़े, इतने सूखे सूखे निकलते हैं। कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, अभी शाम की चाय का टाइम हो चुका है, शाम की चाय का टाइम हो चुका है। मिकोन पापड़ भून रहा है चाय के साथ खाने के लिए, तो चाय और पापड़ खाने वाले हैं। हमारा नोंडा पापड़ भून रहा है तवे के ऊपर। कहाँ से बने हो कुक? कहाँ से बने हो? अरे 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 पापड़ गोल होता है, तुमने क्या बना दिया इसको? अरे तेल गरम था, तेल ज्यादा गरम था। और चाकू से पापड़ कौन बनाता है यार? अरे उसको धोएगा कौन उसको? अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है। और ये कहे कप का हाल देखो तो ऐसा जैसे किसी को पीट के यहाँ पे गिराया। हाँ देना गाल के, निकाल के, हाँ निकाल के नहीं गाल के, गाल के डाल के, डाल के।
तू नहीं सीख पाएगा भाई हमारी लैंग्वेज। तो हमारी चाय और पापड़ रेडी है, भाई साहब भी खा रहे हैं, हम भी खा लेते हैं। जब मैं घर जाता हूँ ना तो हमारे उधर का क्या है, शाम को 4 बजे चाय बनती है, ठीक है, तो पापा बनाते हो और पापड़ ले जाते हैं बहुत सारे तल के। अरे सेठ जी आओ पापड़ खाओ, चाय पियो। और समय भैया तबीयत सही है? मुंह तरफ है आपका, क्या हो गया? पापड़ खाओ चाय खाओ। आज तो 2 बजे बंद कर दिया ना, 5 बजे किया दिया है ना डिलीवरी। और डिलीवरी का हाँ वो घर में ले जा सकते हैं ना? हाँ घर में ले जाके खाओ। अच्छा अच्छा, होटल वालों के लिए 2 बजे के बाद डाइनिंग नहीं है, सिर्फ डिलीवरी है, घर लेके जाओ और खाओ। अभी न्यूज़ चैनल के थ्रू एक बैड न्यूज़ मिली है, और बैड न्यूज़ ये है कि जो हमारा ये एरिया है ये कंटेनमेंट जोन बन चुका है, जो हमारा वार्ड है ये कंटेनमेंट जोन बन चुका है। अब इसमें कौन सा एरिया कंटेनमेंट बना है वो हमें कल दोपहर 2 बजे तक ही पता लगेगा, अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ न्यूज़ में हुआ है कि हमारा ये वार्ड जो है कंटेनमेंट जोन में आ चुका है, बिल्कुल मतलब 400-500 मीटर वाला एरिया तक का नाम उसमें दिया हुआ है। तो अब कल पता लगेगा कि हमारी गली भी है या नहीं है, तो कल ही इस चीज़ का बारे में जानकारी मिलेगी। हालत मतलब इस एरिया को, यहाँ के जितने भी एरिया हैं, बेलतोला हाथीगांव वगैरह, ये इतना जो पीछे तक का जितना भी एरिया है ये सब एरिया हॉटस्पॉट घोषित किया है, हॉटस्पॉट कोरोना का हॉटस्पॉट। तो मान देख लीजिए, मान लो यहाँ पे मतलब कितनी बड़ी संख्या में कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं जो हॉटस्पॉट इस एरिया को घोषित कर दिया है, क्या ही जो होने वाला है। इतना दिमाग खराब हो गया है ना ये कंटेनमेंट जोन इसके बारे में सोचते सोचते, अभी सोच रहा हूँ जलजीरा पी लेता हूँ। जलजीरा पीने से थोड़ा ध्यान इसकी तरफ जाएगा, दिमाग का टेंशन हटेगा। तो फिर से वही अपना 1 रुपये वाला जलजीरा मैं पीने वाला हूँ। 10 पैकेट लेके आया था मैं खरीद के, ऐसे ऐसे ये पाउच वाले 10 पैकेट। अभी तक इसमें से बचा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो इसको पीने के बाद 6 पैकेट बचेगा और 7 मैं ऑलरेडी पी चुका हूँ। तो अभी मैं जलजीरा पीता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगा, ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो चुका है। चाय मैंने पी थी अभी 1 घंटे पहले, लेकिन अब मैं जलजीरा पी लेता हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा टाइम पास, दिमाग भी हो रहा है, खा भूख भी लग रही है, तो टाइम पास के लिए जलजीरा है। जलजीरा मैं बना के ले आया हूँ और पी रहा हूँ। इसका टेस्ट ना बहुत नींबू नींबू खट्टे खट्टे जैसा लगता है, काफ़ी खट्टा है, लेकिन उसके बाद जो भूख लगाता है ना, ज़बरदस्त वाली भूख लगाता है, इतना तेज़ भूख लगता है कि जल्दी लेके आओ, जल्दी 10-15 मिनट बाद जल्दी लेके आओ खाना, ऐसा भूख लगा। उस दिन भी मैंने जब पिया था तो बहुत तेज़ भूख लग गया था 1/2 घंटे बाद, फिर मैंने खाना क्या दबा के खाया था। तो दोस्तों मेरा डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है, काफ़ी देर पहले मैंने डिनर कर लिया था। अभी जो है मैं थोड़ा बैठ के एडिटिंग करूँगा अपने इस व्लॉग की, और इसको सुबह के लिए शेड्यूल करूँगा। एक बुरी खबर है, वो बुरी खबर क्या है वो छोड़ो, वो नहीं बताऊँगा क्योंकि नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, बाकी सब बढ़िया है, आप इतना मान लीजिए। तो इस व्लॉग को चलो यहीं पे एंड करते हैं, और अब मिलेंगे हम अपने अगले व्लॉग में जो कि कल या परसों आएगा। तो चलो दोस्तों बस इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे अगले व्लॉग में, टिल देन बाय।